पाद पद्मम लोके जरार भय मृत्युनाशम दातार भीषम विविध औषधीनां शंखम चक्रम जलोकां दधतम रुतघटम चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदोज्वलांगं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वंदे धन्वंतरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग निदान पंचक और पांच भौतिक चिकित्सा इसका कोरिलेशन हम लोग पढ़ेंगे।
मेरा थोड़ा लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी देर में लैपटॉप ऑन हो जाएगा तो सब आप लोगों को दिखेगा। तो हम लोग ना ये देखते हैं कि निदान पंचक के बारे में क्या बताया है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि चिकित्सक के पास रोगी अपने रोग की चिकित्सा या आहार औषधि के लिए आता है। कोई भी जो ये होता है रोगी होता है वो क्यों आता है, कि कोई व्याधिग्रस्त होता है तो उसको डॉक्टर के पास क्या अपेक्षा रहती है कि मुझे ये व्याधि से हमें उपचार मिलना चाहिए, इसीलिए वो आता है। तो वैद्य को चिकित्सा करने के पहले रोगी का ये होना चाहिए कि क्या बीमारी है, ये अगर मालूम होगा तो फिर ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को ना निदान मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हेतु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हेतु क्या है, फिर उसके बाद में पूर्व रूप क्या है, अगर पूर्व रूप समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। फिर रूप क्या है, सारे सिम्टम्स क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट के, चीफ कंप्लेंट क्या है, वेदना वृत्त, ये हम केस टेकिंग में पढ़ चुके हैं बार बार। उसके बाद में उपशय और अनुपशय, मतलब क्या चीज से पेशेंट को फायदा होता है। जैसे वात का रोग है तो उसको अगर हम लोगों ने शीत चीज दिया तो अनुपशय मिलेगा, रुक्ष चीज दिए तो अनुपशय मिलेगा। वही हमने उष्ण चीजें दी और वायु के शमन करने वाले स्नेहन किया दीपन पाचन करके तो उसको उपशय मिलेगा। तो इसलिए उपशय और अनुपशय को जानना बहुत जरूरी है। फिर संप्राप्ति को समझना जरूरी है। संप्राप्ति समझ आती है तो यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता संप्राप्ति रागति आगति, ऐसा जो बोला है कि किस तरह से संप्राप्ति बनी है, क्या क्या दोष दुष्ट समूर्चना हुई है, ऐसे बोलते हैं यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता निवृत्ति सामायसो संप्राप्ति जागति आगति, ऐसा बोला जाता है। तो किस तरह से दोष दुष्ट समूचना हुई है, कौन कौन से स्रोतस इन्वॉल्व है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब जान लेते हैं तब हमें चिकित्सा करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो रोग के विनिश्चय के लिए साधनभूत जो ये पंच निदान है, इनका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा ज्ञान होता है। अगर हमको प्रत्यक्ष से समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आजकल उसके लिए एलोपैथी के सारे टूल्स भी हैं, सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे MRI CT स्कैन एक्सरे, उससे हमें और अच्छे से समझ आता है कि कितना वह व्याधि व्यापकता उसकी कितनी है। तो ट्वेंटी चैप्टर का म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए, सुनील कुमार जी कृपया म्यूट रखिए। हाँ, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि रोग माधो परीक्षे ततो अंतरम औषधम ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। डॉक्टर सुनील कुमार जी, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। कृपया डिसिप्लिन को कायम रखिए। तो रोग माधो परीक्षित, मतलब रोगी की पहले रोग का पहले परीक्षा करना चाहिए, तब औषध क्या देना है उसका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर रोग को नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग क्या मेडिसिन दे रहे हैं ये हमें कैसे समझ आएगा। तथा कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, उसके बाद ही जो चिकित्सा करना है ज्ञान पूर्वक, ऐसे ब्लाइंडली कोई भी चिकित्सा नहीं करना है। हम जो भी चिकित्सा कर रहे हैं उसका हमारे पास कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, मौलिक सिद्धांत होना चाहिए कि हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं या पेशेंट का संप्राप्ति कैसे भंग कर रहा है। अगर यह हमें मालूम होगा तभी हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। आचार्य चरक ने सामान्य बुद्धिगम नियम बताते हुए कहा है कि प्रथम रोगी के रोग की परीक्षा करना चाहिए, उसके पश्चात ही औषधि की विचारणा करनी चाहिए। अब इन्होंने ये बोला है कि पांच जो ये तो विशेष ज्ञान के लिए निदान पंचक है उसका जानना बहुत जरूरी है। एक मिनट, मुझे लैपटॉप में आने दीजिए कृपया, एक मिनट बस रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। जी, तो अभी मैं लैपटॉप में आ गया हूँ, अभी आप लोगों को ये सब चीजें दिखाई भी देंगी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारे अप्पा शास्त्री जी हैं उनका सारा नोट्स है, ये आपको दिखाई भी देगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को जब चांस मिलेगा तो आप लोग भी बोलिएगा। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, अभी मैंने सबको म्यूट किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ने पता नहीं क्या सोच के आते हैं, डॉक्टर होके भी अनम्यूट करके शोर जरूर करेंगे, पता नहीं कैसे डॉक्टर के होने के बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम है
फिर क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा पूछते हैं। एक ने तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछा कि तुलसी का पत्ता छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछते हैं, मतलब इतना भी नहीं मालूम है क्या, तुलसी का पत्ता छोटा लेना है, एक पत्ता खाना है कि दो पत्ता खाना है, ऐसे क्वेश्चन क्यों, और वो भी फोन करके मुझसे पूछते हैं, और BMS डॉक्टर है, फिर डिग्री कहाँ से मिले, मतलब ऐसे खरीद के लिए है कि सच में पढ़ाई करके लिए, कॉमन सेंस की बात मेरे से मत पूछा करिए। तो यहाँ पर मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार फिर से देखिए, आपको स्क्रीन पे जो चीज दिखता है वो चीज याद हो जाता है। निदान पंचक, चिकित्सा के पास रोगी अपने रोग की चिकित्सा या आहार औषध योजना के लिए आता है, वैद्य को चिकित्सा निश्चित करने के पहले रोग का असंदिग्ध विनिश्चय होना परम आवश्यक है। इसके लिए निदान पंचक का हमें जो टूल दिया है आयुर्वेद में, उसमें निदान है, पूर्व रूप है, उपशय अनुपशय तथा संप्राप्ति, इन सबको मिलाकर निदान पंचक बोलते हैं। उपशय और अनुपशय एक ही चीज है, अपोजिट चीज है, हम लोग ज्यादातर उपशय को ही रखते हैं, अनुपशय तो अभाव में वहां पे रहता है। रोग के विनिश्चय के साधनभूत इन निदान आदि का पांच का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि द्वारा, प्रमाणों के द्वारा होता है, तो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, अनुमान के द्वारा होता है, आप्त ज्ञान शब्द प्रमाण के द्वारा होता है, युक्ति प्रमाण से होता है। तो हम लोग रोग के विनिश्चय करना है तो हमें अलग अलग ये जो प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह बताए उससे प्राप्त होता है। चरक सूत्र स्थान 20/20 में क्या बताया कि रोग माधव परीक्षे ततो अंतरम औषधम तथा विषक तथा कर्म विषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, मतलब इन्होंने सामान्य बुद्धिगम्य नियम बताते हुए कहा है कि चरकाचार्य जी ने कहा कि प्रथम रोगी के रोग की परीक्षा करना चाहिए, उसके पश्चात रोग की विचारणा करनी चाहिए। फिर इन्होंने अष्टांग हृदय निदान स्थान में वही चीज बताए, निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशस तथा संप्राप्तिष्यति विज्ञानम रोगाणम पंचधा स्मृतम, मतलब निदान पूर्व रूप रूप उपशर संप्राप्ति, यह पांच रोगों के सविशेष ज्ञान के रोग विनिश्चय के कारण यह साधन है। निदान आदि को निदान इस हेतु कहते हैं कि इससे रोग के हेतुओं और लक्षणों का निर्देश नाम विवरण होता है। जब हम निदान शब्द बोलते हैं तो निदान मतलब ये, इसका दो अर्थ होता है, एक तो हेतु होता है और दूसरा हेतु हेतु के सामने लक्षण का भी निर्देश इसमें होता है। फिर रूप पूर्व रूप हो गया, रूप उपशय संप्राप्ति, इनसे विशेष लक्षणों का बोध होता है तथा निदान से रोग के कारण हेतुओं का निर्देश होता है। हम लोग जो बोलते हैं कि क्या हेतु, बिना कारण के कार्य नहीं होते, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। हेतु आदि पांचों निदान पृथक पृथक तथा मिलाकर रोग का विनिश्चय करते हैं, विनिश्चय कराते हैं। मधुकोशकार कहते हैं कि पांचों में से किसी एक निदान से भी व्याधि का निश्चय हो सकता है। अगर हमें हेतु समझ जाएगा तो हमें पता चल जाता है, किसने आइसक्रीम खाया तो हम पता चल सकता है, 1 किलो आइसक्रीम खा लिया तो उसको सर्दी जुकाम जरूर होगा, निदान से पता चल जाता है, पूर्व रूप से पता चल जाता है, रूप से पता चल जाता है, उपशय से संप्राप्ति से सब समझ जाता है। तथापि एक एक वस्तु को सिद्धि के लिए अधिक प्रमाण प्रस्तुत करना लोक व्यवहार सिद्ध है, मतलब व्यवहार में अगर हम लोग ज्यादा उसको स्पेसिफाई करते हैं तो हमें और अच्छे से वो व्याधि समझ आ जाता है। अब निदान, पहला आता है निदान, इसके पर्याय क्या है, तो हेतु है, निमित्त है, आयतन है, कर्ता है, कारण है, कारक है, प्रत्यय है, उत्थान है, समुत्थान, निदान, मूल, योनि, मुख, प्रेरक और आकृति, यह सब क्या है, इसके पर्याय नाम है। अर्थात इन विभिन्न शब्दों के द्वारा रोग आयुर्वेद में रोग की उत्पत्ति के कारण रूप जिस अर्थ का बोध होता है उसे निदान कहा जाता है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि कुपित हुए वातादि दोष सभी रोगों के निदान उत्पत्ति कारण है। इन वातादि दोष मतलब पित्त और कफ के भी प्रकोप का निदान विधि विविध अहित मतलब अहित कर आहार विहार औषध देश काल का सेवन है। अगर देश अलग हो जाए, प्रकृति के विरुद्ध हो जाए तो देश से भी बहुत ज्यादा रोग हो सकता है, काल भी विपरीत हो जाए, औषधि भी विपरीत हो जाए तो रोगी को रोग हो जाता है। रोग जैसे एलोपैथी की दवाई नहीं चाहिए और अगर एलोपैथी की दवाइयां दी जा रही हैं तो वह भी औषधि भी उसका अहित कर औषध हो सकता है और उसको तकलीफ दे सकता है। इसी तरह से रोगारंभक दोष एक ही हो तथापि वह प्रकोपक कारण मतलब समुत्थान एवं शारीरिक देश स्थान के बीच अनेक रोग को उत्पन्न कर देता है। मधुकोशकार ने निदान का सुबोध कराने के लिए उसके दो लक्षण दिए हैं, व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम मतलब व्याधि उत्पत्ति में जो कारण है वह निदान है। फिर दूसरा बता रहे हैं सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदान मतलब जिसके लिए परिवर्जन आदि उपचार करने आवश्यक होते हैं, मतलब जब हम परिवर्तन कर देते हैं कि रात्रि जागरण करने से बहुत ज्यादा BP बढ़ रहा है, रात्रि जागरण करने से बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो वह सब हम लोग परिवर्जन करते हैं तो यह भी उत्पत्ति का कारण है, रोग उत्पत्ति का कारण है, इसको भी निदान कहा गया है। तो दो अर्थ उन्होंने बताए, व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, दूसरा सेति कर्तव्यता
मतलब सेती करते हुए था, मतलब यह परिवर्जन कर दें ये चीज जिससे व्याधि हो रही है। इसके बाद में निदान के भेद बता रहे हैं, तो सन्निकृष्ट हेतु, विपरकृष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु, प्राधानिक हेतु। दूसरा है दोष हेतु, दोष वैषम्य कर। दूसरा व्याधि हेतु, व्याधि उत्पादन कारण। और तीसरा है उभय हेतु, दोष हेतु भी है, व्याधि हेतु भी है, दोनों के लिए। तीसरा है उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। चौथा है बाह्य और अभ्यंतर हेतु। ये सब हमने पढ़ा है। पूर्व रूप में देखेंगे प्रागरूपम ये न लक्ष्यते उत्पित्त सुरामयो दोष विशेषानाधिष्ठिता लिंगम व्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनाम तद्यथा यथम। षट क्रिया काल में चतुर्थावस्था में स्थान संशय और दोष से समूर्छना जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। पूर्व रूप के क्या भेद है, यही सब रिविजन हो रहे हैं। दोष दुष्ट समूर्छना जन्य पूर्व रूप, और दूसरा अदृष्ट पूर्व रूप। अदृष्ट पूर्व रूप किसमें दिखते हैं, तो वात व्याधि में अव्यक्तम लक्षणम तेषाम, ऐसा बताया। तो वो पूर्व रूप दिखाई नहीं देता है। और जो दृष्ट पूर्व रूप दिखता है, जैसे बारिश होने वाली है तो बादल छा जाते हैं, तो मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब बारिश होगी, तो वह हमें दिखता है दोष दुष्ट समूर्छना की वजह से पूर्व रूप हो रहे हैं। दूसरा है सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। जैसे कि वात ज्वर है तो जृम्भा का बहुत ज्यादा आना, कफत ज्वर होने वाला है तो प्रसेक का बहुत ज्यादा होना। तो सामान्य पूर्व रूप से अव्यक्त लिंग द्वारा भावी व्याधि की सूचना मात्र मिलती है, लेकिन विशिष्ट पूर्व रूप से रोगारंभक दोष विशेष का परिज्ञान होता है। विशेष है तो विशेष ज्ञान हो जाएगा, सामान्य है तो सामान्य सूचना मिलती है। तीसरा है शारीर मानस और शारीर मानस। शारीर में देखेंगे तो ज्वर में आलस्य होना, आस्य वैरस्य, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, गौरव होना, जृंभा होना, ये शारीरिक पूर्व रूप है। मानस में अरति होना, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, हितकर वचनों के प्रति भी असहिष्णुता होना, मतलब अच्छा बात बोला जा रहा है तब भी बर्दाश्त नहीं होता है। शारीरिक मानसंग में मानस में क्या होता है, अम्ल कटु लवण पदार्थों के प्रति प्रीति हो जाती है, विपरीत गुण इच्छाचार, और मधु पदार्थों के प्रति द्वेष होता है, क्योंकि ज्वर हो रहा है, ज्वर में पृथ्वी और आप बढ़ रहे तो मधुर पदार्थों के प्रति द्वेष हो जाएगा, और उसके विपरीत जो आग्नेय तत्व वाले द्रव्य है, अम्ल कटु लवण वाले, उनके प्रति प्रीति हो जाएगी। पूर्व रूप के इन्होंने बता दिया, पूर्व रूप से हम समझ सकते हैं। रूप में देखेंगे तदेवम व्यक्तताम यातम रूपमित्य विधीयते संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम महाकृति। जब पूर्व रूप में दिखने वाले लक्षण व्यक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, ये आगे की जो पांचवी षट क्रियाकाल में अवस्था आती है उसको रूप बोलते हैं, अर्थात उसमें वातादि रोगारंभक दोष अपने सुस्पष्ट लक्षणों और कर्मों के प्रकट होने से अभिव्यक्त हो जाते हैं। अथच उनकी आम अवस्था, तक्व अवस्था, प्रवृत्ति अवस्था भी व्यक्त हो जाती है, तब इन पूर्व रूपों को ही रूप लक्षण या लिंग कहा जाता है। इसके पर्याय नाम क्या है, रूप के जो सिम्टम्स दिखते हैं तो संस्थान है, व्यंजन है, लिंग है, लक्षण है, चिन्ह है, आकृति तथा रूप। रूप की परिभाषा में निम्न लक्षणों का ग्रहण हो जाता है, व्याधि प्रतिनियत लक्षण, जैसे कि किसी को खांसी आ रही है तो कांस्यवत वेदना, कांस में जैसे आवाज आती है उस तरह से वेदना होगी तो वो खांसी है, श्वास में सांस फूलता है, कुष्ठ में त्वचा में उत्सेद हो जाता है, तो प्रत्यात्म लक्षण होता है व्याधि का। विसर्प में विसर्पण व वो रैशेस आ जाते हैं, तो व्याधि प्रत्यात्म लक्षण होते हैं। दूसरा वातादि दोषों के विशिष्ट लक्षण, जैसे कि कापाल कुष्ठ है उसमें कापाल की तरह उत्सेद दिखता है, उदम्बर कुष्ठ में उम्बर की तरह, गुलर की तरह उत्सेद दिखता है। जैसा व्याधि वात आदि दोष के लक्षण होंगे वैसे रुक्षता, दाहापाक, वैसे सिम्टम आएंगे। तीसरा है व्याधि की विशिष्ट अवस्था के बोधक लक्षण। व्याधि की विशिष्ट अवस्था है जैसे कि हम लोग वातरक्त देखेंगे तो वातरक्त में हमें पता चलेगा छोटी छोटी संधियां हैं, वहां पे गंभीर वातरक्त है या फिर उत्तान वातरक्त, विशिष्ट अवस्था का बोधक ऐसे लक्षण होते हैं। ज्वर में भी आमावस्था है, निरामावस्था है, कौन सी अवस्था है वो हमें, या फिर उदर में देखेंगे तो अजातोदकावस्था, जातोदकावस्था, उदर में जल संचिति हो रही है तो वहां पे जातोदकावस्था रहती है, विशिष्ट अवस्था के बोधक लक्षण एक ऐसा है। और चौथा है रोगों के असाध्यता के लक्षण। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन पेशेंट अब बहुत ज्यादा डेटोरिएट हो रहे हैं, उसके कंडीशन खराब हो रही है, वो ठीक नहीं हो पाएगा, वो असाध्य हो जा रहा है, तो वो लक्षण। इन सभी लक्षणों का ग्रहण रूप में हो जाता है। फिर बोल रहे हैं लक्षण तथा वेदना, चरक विमान स्थान 4/6 में बोल रहे हैं कि रोग मात्र के संबंध में चिकित्सक को क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, इस विषय में विभिन्न मुद्दे प्रस्तुत करते हुए लक्षणों वेदनाओं की गणना अलग से की गई है। जिन चिन्हों को रुग्ण चिकित्सक
एवं रुग्ण के स्वजन आदि भी व्यक्ति अपनी चक्षु आदि इंद्रियों से जान सकते, उसे लक्षण कहा जाता है। जैसे कामला रोग है, जॉन्डिस है, उसमें त्वचा में पीतता, शोथ में उत्सेद है, पेशेंट ही उनके रिलेटिव ही बोलते हैं, जिनको पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ गया है, इनको कामला हो गया है तो पूरा अंग त्वचा ये सब पीला हो रहा है, ये कोई भी बता सकता है। और जिन लक्षणों केवल रुग्ण को ही होता है, जैसे दाहा, शूल, स्फुरन, पेशेंट को खुद होता है कि ट्विचिंग हो रहा है, स्फुरन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, वो पेशेंट ही बता सकता है, उसको हम कुछ रोगी बताते हैं, कुछ दूसरे लोग बताते हैं इस तरह का लक्षण होता है। फिर उसके बाद में उपशय अनुपशय बता रहे हैं, गुण गुण लिंगम व्याधि उपशय अनुपशय अभ्याम परीक्षित, किसी रुग्ण में लक्षण गुण होते हैं, हमें ऐसे पता नहीं चलते कि क्या लक्षण है, बहुत ही गुण होते हैं, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तब फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि आम बात है कि नहीं है, और हम ट्रीटमेंट देते हैं, जब हम स्नेह बस्ती देंगे तो हमें पता चल जाता है कि वहां व्याधि बढ़ रहा है, तो मतलब ये आम बात है, अगर वहां पे वो वेदना कम हो रही है और हम ऐसे नहीं समझ पा रहे थे, तो ये गुड़ लक्षण जो है वो ट्रीटमेंट से ही पता चलता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां लक्षण गुड़ हो उनके ज्ञान से रोग का यथार्थ निदान होना संभव न हो तो उनकी परीक्षा उपशय अनुपशय द्वारा करनी चाहिए, यथा जैसे कि शोथ है, स्नेहन, उष्ण उपचार, मर्दन से शांति प्राप्त हो तो वातिक समझना चाहिए। इस प्रकार असंख्य उदाहरण संहिताओं में उपलब्ध है, ये हम सब ने पढ़ा है उपशय अनुपशय, फिर से हम पढ़ते ही रहेंगे। उपशया पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीतार्थकारिणाम च औषध आहार विहारणम उपयोग सुखानुबंध, जिन आहार विहार औषध देश काल का उपयोग रोग पीड़ित पुरुष को रोग निवृत्ति के रूप में अनुबंध में सुख प्रदान करे उसे उपशय कहते हैं या सात्म्य कहा जाता है, इसके विपरीत अवस्था को अनुपशय या असात्म्य कहा जाता है। हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट का लक्षण बढ़ रहा है कि अनुपशय बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम उपशय अनुपशय को डिसाइड करते हैं, यह हर व्याधि में बताया गया है। चरक संहिता के तो हर निदान के 8 चैप्टर में हर व्याधि में बताया कि ये उपशय है, वायु के लिए वाता ज्वर में ये चिकित्सा करें तो इसे उपशय मिलता है, ये किया तो अनुपशय मिलता है, उन्होंने एकदम क्लियर क्लियर बता दिया है। 8 व्याधियों से ही पूरी व्याधियां जितने भी हैं हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में उपशय अनुपशय को निम्न वर्णित प्रकार है, हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार, व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न, व्याधि विपरीत आहार विहार, हेतु व्याधि विपरीत औषध, हेतु व्याधि विपरीत अन्न, हेतु व्याधि विपरीत विहार, हेतु विपरीतार्थकारी औषध, हेतु विपरीतार्थकारी अन्न, हेतु विपरीतार्थकारी विहार, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध, व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न, व्याधि विपरीतार्थकारी विहार, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहार। विपरीतार्थकारी मतलब कांटे से कांटा निकालना, इस तरह से हम वैसे ही देते हैं, इसको उल्टी आ रही है, एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को उल्टी आ रही है तो हम लोग और वामक द्रव्य देके उल्टी से और उसको निकाल ही देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा औषध करते हैं कि कांटे से कांटे ही निकालते हैं। संप्राप्ति जो है, यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पदा निवृत्ति निवृत्ति रामास्यासो संप्राप्ति जागृति रागति ही, व्याधि जनक व्याधि व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्मे संप्राप्ति शब्देन वाच्यम अतएव परे आगति इति उक्तः, ऐसा चक्रपाणी ने बोला है, रोगोत्पादक दोष की रोगोत्पत्ति में इति कर्तव्यता, मतलब ये चीज त्याग देना है, अथवा व्यापार प्रक्रिया होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं, मतलब रोगोत्पत्ति जिस चीज से हो रही है उसको हम समझते हैं कि ये रोगारंभक दोष है, अपने वैषम्य कारणों के योग से किस प्रकार दुष्ट हुआ है, तदनंतर शरीर में उसके अनुधावन प्रसरण का क्या स्वरूप है, इसका विवरण संप्राप्ति कहलाता है। पर्याय में जाति आगति बोलते हैं, दोषों के दुष्टि के 2 प्रकार होते हैं, उनका दुष्ट होना रूप हानि, दोष का क्षय होना रूप की वृद्धि होना, दोष वृद्धि होना रूपांतर होना, दोषांतर का आवरण होना, अलग अलग उसमें मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, तो संप्राप्ति से समझ आता है। उनका संचालन कैसे होता है तो षट क्रियाकाल से समझ आता है, किसी भी दोष की वृद्धि अथवा क्षय हो तो उसके सभी गुणों की वृद्धि अथवा क्षय हुआ करता हो यह बात नहीं है, परंतु क्षय कारक अथवा वृद्धि कारक हेतु जिस दोष के जिस गुण की जितनी मात्रा में, हम लोग अंशांश कल्पना से संप्राप्ति को देखते हैं कि वायु का रुक्ष गुण, वायु का परिष गुण, वायु का खर गुण, वायु का शीत गुण, वायु का चल गुण, वायु का लघु गुण, पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, द्रव गुण, ये जो हम लोग अंशांश कल्पना से देखते हैं कि कितनी मात्रा में वृद्धि हुआ है, कितना क्षीण हुआ है, जितना उसका वृद्धि होगा उसके दूसरे चीज दूसरे दोष का उतना क्षीणता होगा, इसको समझना संप्राप्ति कहलाता है दोष, और वो संप्राप्ति समझना कहलाता है, संप्राप्ति तो हो चुकी होती है। दोषों का संचालित होना षट क्रियाकाल अध्याय में विस्तार पूर्वक कहा गया है, दोषेति कर्तव्य
लक्षितम व्याधि जन्म संप्राप्ति ही, व्याधि जनक दोष व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्म संप्राप्ति ही, रोगोत्पत्ति में दोषों के का जो भी क्रियाकलाप है उसका नाम संप्राप्ति है। दोष किस तरह से, दोष दूष समूर्छना करके कौन कौन से स्रोत में गए, कौन कौन से धातुओं को दूषित किया, कौन कौन से मलों को दूषित किया, किस तरह से संप्राप्ति परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो रही है, वह सब क्रियाकलाप जो होता है दोषों का उसको संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति के भेद क्या बता रहे हैं, तो संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति मतलब अंशांश कल्पना, विधि संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, बल काल, बल संप्राप्ति, काल संप्राप्ति, ये पांच भेद है। संख्या मतलब ज्वर 8 है, गुल्म 5 है, कुष्ठ 7 है, इस तरह से हम संख्या बताते हैं। विकल्प में हम अंशांश कल्पना से समझते हैं, रोगों की उत्पत्ति में तीनों दोष संवेद संयुक्त हो अथवा वे एक एक अथवा दो दो मिलकर रोगोत्पत्ति किए हैं, तो प्रत्येक दोष के किस अंश का, कौन से भाग, कौन से गुण का प्रकोप हुआ है और वह प्रकोप कितनी मात्रा में हुआ है, इस वस्तु का विचार निरूपण विकल्प अथवा अंशांश कल्पना कहलाता है। किस दोष की किस गुण की कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, इसका निश्चय उसके कार्य को देखकर अर्थात उत्पन्न हुए लक्षणों और उनके बल को लक्ष्य में रखकर किया जाता है। वायु कुपित होकर शूल आदि में रोगों की उत्पत्ति करता है, लेकिन कभी भी वह एक गुण, दो गुण या अधिक गुणों से विकृत, यह समझना ही अंशांश कल्पना संप्राप्ति समझना है। सर्वे भावे स्त्री भाव अपि द्वाभ्याम एकेन वा पुनः संसर्गे कुपितः क्रुद्धम दोषो दोषम दोषो अनुधावती। संसर्ग सन्निपात में अप्रधान और अनुभूत दोष कभी भी अपने सभी भावों गुणों जैसे कि गुणों जैसे तथा रुक्ष उष्ण स्निग्ध आदि की वृद्धि रूप में कोप को प्राप्त होकर प्राधान्य अनुबंध दोष के साथ संयुक्त होकर रोगोत्पत्ति कर रहा है, तो कभी तीन दो या एक गुण की वृद्धि के रूप में प्रधान दोष सहकार करता है। मतलब कभी एक दोष के एक गुण होगा, दो गुण होगा या तीन गुण होगा, ये हम लोग बार बार देखते हैं अपने केस टेकिंग में देखते हैं। अब आता है कि दोष, ये अब पांच भौतिक से बता रहे हैं और अच्छे से। वृद्धि को प्राप्त पृथक गुणों का निदान, दोषों के पृथक पृथक गुणों की वृद्धि के रूप में उनका प्रकोप हेतु रूप निदान के भेदोष हुआ करता है। मधुकोशकार ने आगे तत्त्व दोषों के पृथक पृथक गुणों का निर्देश कर दृष्टांत रूप से विभिन्न गुणों की वृद्धि करने वाले आहार द्रव्य का उल्लेख किया है, जैसे कि उदाहरण वात दोष, वायु के गुण है और आहार द्रव्य, ऐसे बताए। अगर रुक्ष, शीत, लघु और विशद, ऐसा चार गुण अगर है यहाँ पे अंशांश कल्पना से देख रहे हैं, तो कषाय रस और कलाय मतलब मटर, इनमें चार चीज रहते हैं, रुक्ष, शीत, लघु, विशद, उससे प्रकोप करता है। तंडुलियक जो चौलाई का साग होता है वो रुक्ष, शीत, लघु होता है। कांडेक्षु मतलब गन्ने का जो कांड होता है वो रुक्ष और शीत होता है। सिद्धु एक मध्य कल्पना है, संधान कल्पना है, वो केवल रुक्ष रहता है। इसके बाद में आ रहा है विधि संप्राप्ति, विधि का अर्थ है भेद, रोग के भेद का वर्णन करना विधि संप्राप्ति है। जैसे द्विविध रोग है, निज, इसको इलैबोरेट किया है, निज रोग या आगंतुज रोग, त्रिविध रोग में वातज, पित्तज, कफज, चतुर्विध रोग में साध्य, साध्य, मृदु और दारुण, जो संख्या से आगे उसको इलैबोरेट करता है नाम देके उसको विधि संप्राप्ति कहते हैं। प्राधान्य संप्राप्ति में रोगोत्पादक दोषों की प्राधान्यता को तौलनिक समीक्षा मतलब तुलना करके जो समीक्षा की जाती है उसको प्राधान्य संप्राप्ति कहते हैं। इसका महत्व जब रोगावस्था में दो या तीन दोष सहभागी हो तब हम लोग बोलते हैं कि वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त थोड़ा बढ़ा हुआ है, कफ और थोड़ा बढ़ा है, या तीनों दोष बढ़े हैं, तो जो प्राधान्य रहता है उसको हम लोग बोलते हैं। दोषों की प्राधान्यता समझने पर चिकित्सक को औषध तथा उपकरणों की निश्चित रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। इसके बाद में आ रहा है बल तथा काल, व्याधि का बल समझ लेना बल संप्राप्ति है। निदान, पूर्वरूप तथा रूप में, रूप अवस्था में कितने लक्षणों का प्रादुर्भाव के साथ व्याधि प्रस्तुत हुई है, यह समझ लेना चिकित्सा उपक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। काल संप्राप्ति, बल तो हो गया कि कितना बलवान है, कौन से लक्षण बलवान है। काल संप्राप्ति में व्याधि किस काल में बढ़ता है, कभी कभी कोई व्याधियां होती है जो रात्रि में बढ़ती है, जैसे मतलब तिमिर है वो दिन में बढ़ता है, तिमिर के लक्षण दिन में बढ़ते हैं, या सूर्या बढ़ता है, माइग्रेन का तकलीफ है वो दिन में ज्यादा बढ़ जाता है, किस काल में बढ़ता है, किस काल में कम होता है। आचार्य चरक ने वय, दिन, रात्रि के प्रहर, ऋतु तथा आहार पाचन के काल आदि घटकों के आधार पर काल संप्राप्ति को समझने का निर्देश किया गया है। अब ये रात्रि के अंतिम प्रहर में ज्वर हो रहा है क्या, या दिन में हो रहा है, या शाम को हो रहा है, ऋतु में कौन से ऋतु में पित्त ज्वर हो रहा है, वात ज्वर हो रहा है, कफ ज्वर हो रहा है, कौन सा आहार का पचन का मधुर अवस्था पाक में कौन सा हो रहा है, फिर अम्ल अवस्था पाक में क्या हो रहा है, कटु अवस्था पाक में क्या हो रहा है, क्या सिम्टम बढ़ रहे हैं, एग्रेवेट हो रहे हैं, ये हम लोग इन सब से समझ सकते हैं कि बल और काल क्या है। पांच भौतिक दृष्टि के चिकित्सा की दृष्टि से निदान पंचक के कुछ विचार।
ये बता रहे हैं कि उपशय के प्रकारों में जो हेतु विपरीत चिकित्सा की गई है उसी का पुरस्कार पांचभौतिक चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि अगर हम हेतु का ठीक निश्चय ठीक तरह से ना करें और दिखाई देने लक्षणों के आधार पर संप्राप्ति भंग करने का प्रयास करें तो वो संपूर्ण शुद्ध चिकित्सा नहीं होती है। तो हमें हेतु पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या हेतु है जिससे ये व्याधि हुई है, संप्राप्ति क्या हुई है। इसलिए वैद्य दातार शास्त्री जी ने निदान पंच के विभिन्न अंगों को रुग्ण तथा रोग के ज्ञान में तथा चिकित्सा में उपयोजित किया है। हेतु तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, बाह्य, आभ्यंतर, व्यंजक आदि, लेकिन इन हेतुओं का सतत और अत्यधिक सेवन शरीर में विद्यमान दोष तथा महाभूतों की साम्यता को विचलित करता है, बैलेंस को बिगाड़ देता है। अगर हेतुओं का कंटिन्यू सेवन किया जा रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया जा रहा है तो इसका परिणाम जरूर दोषों की साम्यावस्था जो है, बैलेंस जो है, उसको बिगाड़ देगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ हेतु अपने अपना परिणाम थोड़ी देर के लिए करते हैं तो कुछ का परिणाम चीरकारी दिखाई देता है, चीरकारी दिखाई देता है। आहार विहार, व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय में काम करें, अगर ट्रेन का इंजन चला रहे हैं और वहां गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है तो उनके व्यवसाय जन्य कुछ सिम्टम्स आएंगे। कुछ आहार, कुछ जातियों में कुछ लोग वैसा खान पान रखते हैं, अभी तो सब बदल गए लेकिन पहले के जमाने में वह जाति के लोग वही चीज ज्यादा खाते थे। जैसे कि यहाँ पर जो बकरी चराने वाले होते हैं ना, उनको धनगर समाज बोलते हैं, गरेड़िया जो समाज रहता है, उनमें थैलीसीमिया के केसेस ज्यादा मिलते हैं महाराष्ट्र में, और वो भी विदर्भा एरिया के जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे, वो जाति में थैलीसीमिया ज्यादा मिलता है, उन जेनेटिक कॉज रहता है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं जो जेनेटिक कॉजेज से आती है, तो वो इनहेरिटेटेड, वो वही जाति में ज्यादा पाई जाती है। फिर प्रकृति के हिसाब से, गर्भावस्था के हिसाब से, पूर्व व्याधियां, चिकित्सा काल के परिणाम और व्यसन, इन तरह के अनेक हेतुओं का सेवन करके रुग्ण हमारे पास आते हैं। ऐसे अनेक रुग्ण वृतांत वैद्य दातार शास्त्री जी ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। उसी तरह इन हेतुओं के सेवन से दोष तथा उनके उत्पादक महाभूत कौन से गुणों से विकृत हुए तथा उनकी विकृति का ज्ञान पाने हेतु हम अग्नि संस्थान का परीक्षण उदर परीक्षा द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसका दिग्दर्शन गुरुवर्य ने बड़ी विस्तार से किया है। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि एक हेतु देखिए, अभी ऐसे ही इसी के पैरेलल ना हेतु लिंग औषत कोष लिखा गया है, उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा पीडीएफ करके। अब यहाँ पे ये देखिए, अति व्यायाम हेतु है, दोष है वात दोष प्रकोपित हो रहा है। गुण कौन सा प्रकोपित हो रहा है, तो रुक्ष और लघु। कौन से आप अवयव पे परिणाम हो रहा है अति व्यायाम से, तो अपान की कक्षा में इसका परिणाम हो रहा है। ये दातार शास्त्री जी ने अच्छे से इलैबोरेट किया है। दूसरा है प्रपतन, कहीं से ऊपर से गिर जाना, उसमें कौन सा गुण प्रकोपित हो रहा है, वात दोष का लघु और रुक्ष गुण, इसका कौन सा अवयव पे हो रहा है, तो अपान कक्षा में जरूर हो रहा है। जो लोग चोट लग जाते हैं ना तो उनको इनफर्टिलिटी का जरूर कारण रहता है, मतलब इनफर्टिलिटी की तरफ वो जाते हैं अपान कक्षा में। जागरण अगर कर रहे हैं तो वात पित्त दोष बढ़ जाते हैं, जागरण से पित्त भी बढ़ता है और वात भी, रुक्ष और लघु, और इसका प्लीहा पे परिणाम होता है। ठीक है, कषाय रस अगर ज्यादा सेवन करेंगे तो वात का प्रकोप होता है, रुक्ष और शीत बढ़ता है और यकृत पे इसका प्रभाव पड़ता है। कटु रस का सेवन ज्यादा करते हैं लोग, तीखा स्पाइसी बहुत ज्यादा करते हैं, वात और पित्त प्रकोपित होता है। उष्ण गुण, पित्त का उष्ण गुण, वायु का लघु और रुक्ष गुण, और यकृत प्लीहा और गर्भाशय पे कटु रस का दुष्परिणाम दिखता है। तिक्त रस का अगर देखेंगे तो वात दोष प्रकोपित होता है, रुक्ष और लघु, और यकृत और प्लीहा पे तिक्त रस का अति सेवन और सतत सेवन से यकृत और प्लीहा पे परिणाम होता है। विदाही अन्नपान का सेवन करते हैं, वो ज्यादा मिर्ची मसाला वाला विदाह उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, पित्त दोष प्रकोपित होता है, उष्ण और तीक्ष्ण, यकृत प्लीहा और अपान कक्षा ये दूषित होता है। जो लोग बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं ना उनको मोशन करते हैं बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, उनको बवासीर हो जाता है, ब्लीडिंग पाइल्स हो जाता है, फिशर होता है, फिशुला होता है। तो विदाही अन्न से यकृत और प्लीहा भी दूषित होगा, अपान कक्षा भी दूषित हो जाएगा। जो लोग अनशन करते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं, तो पित्त और वात प्रकोपित होता है, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण और प्लीहा पे उसका परिणाम होता है। जो लोग धूप का सेवन करते हैं उनका पित्त और वात और उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष गुण बढ़ जाता है, प्लीहा पे उसका परिणाम होता है। अति स्निग्ध भोजन जो लोग कर रहे हैं, वो ज्यादा तेल वाले चीजें खा रहे हैं, कचौड़ी और पूरी वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनका कफ दोष विकृत होगा, स्निग्ध गुरु शीत प्रकोपित होगा और यकृत पे उसका दुष्परिणाम होगा। जो लोग बहुत ज्यादा लिक्विड लेते हैं, अति द्रव भोजन करते हैं, उनका कफ और पित्त दूषित होगा, पित्त का द्रव गुण बढ़ जाएगा, कफ का द्रव गुण बढ़ेगा,
स्निग्ध और गुरु गुण बढ़ जाएगा और यकृत पे उसका परिणाम होगा। जो लोग दिवा स्वाप करते हैं, दिन में सोते हैं, वो लोग कफ और पित्त दूषित होगा, गुरु और स्निग्ध ये गुण प्रकोपित होंगे और यकृत पे उसका इफेक्ट आएगा। ठंडा पानी पीना या पानी ज्यादा पीना, एसी में काम करते हैं, उनका कफ दोष विकृत होता है, शीत और गुरु विकृत हो जाते हैं और यकृत और अपान कक्षा दूषित होता है। इसलिए यहाँ पे कुमारी असव जैसे द्रव्य देंगे तो यकृत को वो ठीक रखता है, जो लोग एसी में काम करते हैं। इस पर और विचार करना जरूरी है ये चीज पे। अध्व या यानायान करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो वात और रक्त की दुष्टि होती है, रुक्ष और चल गुण विकृत होते हैं, यकृत अपान कक्ष और प्लीहा की दुष्टि होती है। अगर कामला का इतिहास है तो रक्त और पित्त उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष ये गुण विकृत होते हैं और यकृत। इसी तरह से रोमांतिका और शीतला का इतिहास है तो रक्त और पित्त वात उष्ण तीक्ष्ण क्षार वृद्धि हो जाती है, रोमांतिका से क्षार धर्मिता बढ़ती है, यकृत प्लीहा और अपान कक्षा। बुद्धिन्द्र का अतियोग अगर होता है, वो ज्यादा दिमाग वाले काम कर रहे हैं तो वात का प्रकोप होता है, विविक्त और चल गुण बढ़ता है और यकृत पे उसका परिणाम होता है। मिथ्या योग अगर किया जाता है बुद्धि इंद्रिय का, तो ये सब बुद्धि का अति योग या बुद्धि इंद्रिय का मिथ्या योग, इससे यकृत पे परिणाम आता है। विरुद्ध आहार किया तो कफ दोष विकृत होगा, गुरु स्निग्ध और शीत गुण विकृत होगा, यकृत और प्लीहा पे उसका परिणाम होगा। इस प्रकार गुरुवर ने अग्नि संस्था के प्रमुख अवयव यकृत प्लीहा वृक्क तथा गर्भाशय इनकी विकृति के विशेष लक्षण भी शब्दबद्ध किए हैं, उन्हें लेकर हम तुरंत चिकित्सा की ओर जा सकते हैं। अब ज्वर में अगर देखेंगे, यकृत में देखेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है, एक अवयव और कौन कौन से सिम्टम से हम समझ सकते हैं कि यकृत की दुष्टि हुई है। जैसे यकृत में अगर हुआ है तो ज्वर होता है, मल विबंध हुआ है, यकृत का कार्य नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, अग्निमंदता हो रही है, यकृत का कार्य नहीं हो रहा है, फुफ्फुस के क्षेत्र में गुरुत्व और शूल हो रहा है, जो फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है तो वहां पर यकृत का कार्य नहीं हो रहा है, श्वास लग रहा है, गुरुत्व और शूल हो रहे हैं तो यकृत की दुष्टि है, यकृत में शिरा दर्शन हो रहा है, खांसी आ रही है, शिराशूल हो रहा है, प्रतिशा हो रहा है, तो यकृत पे काम करने वाले दवाई देंगे तो जैसे आरोग्य वर्धनी बटी जैसे दवाई देंगे तो ये सारे सिम्टम्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्लीहा में अगर देखना है तो ज्वर यकृत में भी आ रहा है, प्लीहा में भी आ रहा है, अंग साध होना, निरुत्साह होना, प्लीहा क्षेत्र में शूल होना, उदर काठिन्यता होना, पक्वाशय में आटोप होना, फिर शूल होना, कास होना, आधमन होना, आस्य वरस्य होना। वृक्क में अगर हो रहा है तो उरु पिंडिका शूल होता है, वृक्क की कोई भी अगर डिफॉर्मिटी है और ये मतलब कोई फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उरु पिंडिका में शूल होता है। शाम को ज्वर होता है, शीतपित्त होता है, अम्लपित्त होता है, मलावरोध होता है, सायंक्लम होता है, शाम को बहुत थकावट होती है मानसिक, श्वास कष्टता होता है, कास होता है, संधि शूल होता है, अग्निमान्यता होती है, भ्रम होता है, दाह होता है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति, बर्निंग मिचुरेशन होता है अगर किडनी का पैथोलॉजी रहे तो, मुखपाक होता है, गलग्रह, वृषण शूल, निद्रा अल्पता, प्रतिशय, फिर शिरा शूल, सभ्रम, हस्तपाद तल शैत्यता और अपस्मार होता है। गर्भाशय में अगर कोई विकृति होती है तो अत्यार्तव होता है, अल्पार्तव होता है, कष्टार्तव होता है, डिसमेनोरिया होता है, अल्पार्तव स्कैंटीमेंसेज होते हैं, अत्यार्तव मेनोरेजिया, रक्त प्रदर होता है, मेट्रोरेजिया होता है, अनार्तव अमेनोरिया होता है, विस्त्र गंधता बढ़ जाती है गर्भाशय पे कुछ उसमें पैथोलॉजी है तो, या कृष्ण ग्रंथि रजस्राव होता है। ऐसा इन्होंने पांच भौतिक से बताया, इसको इलैबोरेट और करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन करना चाहेगा, मैं एक मिनट अनम्यूट कर देता हूं, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, अभी मैं बोलते बोलते थक गया हूं। कौन बोलेगा, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए सर। निदान पंचक आज का टॉपिक है, तो इसमें जो निदान पंचक क्यों किया जाता है, ये रोग के बल की परीक्षा करने के लिए किया जाता है और रोग की जानकारी करने के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्म डायग्नोसिस में कन्वर्ट करने के लिए रोग की परीक्षा बहुत आवश्यक होती है। तो इसमें जो हमारे पंचक में जो प्रकार होते हैं वो निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, पांच प्रकार जैसे सर ने भी बताया अभी। तो हमारा जो आयुर्वेद चलता है वो वात पित्त कफ के आधार पे चलता है और दोष दूष्य सम्मूर्छना उसमें निकालनी पड़ती है कि कौन सा दोष बढ़ा और किस दूष्य मतलब धातु को उसने दूषित किया। तो जैसे ही हमारे सामने कोई रोग लेके आता है तो हमको
पता उसी समय चल जाता है कि इसकी किस धातु स्पेसिफिक में प्रॉब्लम है। तो कई बार तो पता चल जाता है और कई बार नहीं भी पता चलता है। तो नहीं पता चलता है तो ये पर्टिकुलर लक्षण किस किस बीमारी के संभव हो सकते हैं, तो उन बीमारियों को हम एक आइडेंटिफाई करते हैं और वो होती है हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्म डायग्नोसिस में कन्वर्ट करने के लिए हमको निदान पंचक या रोग परीक्षा की आवश्यकता होती है। तो निदान अगर कोई रोग हमारे सामने आया, तो जैसे ज्वर ही आया, तो ज्वर के बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे विषम ज्वर में ले लेते हैं कि संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, अन्य दुष्क है, तृतीय चतुर्थक है, तो पेशेंट बताएगा आके आपको कि लगातार बना रह रहा है या दिन में किसी स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा है। दिन में 12 घंटे में एक बार आ रहा है, दिन में और 12 घंटे में एक बार आ रहा है, रात में किस समय विशेष रूप से आ रहा है, तो वो दोपहर के काल में आ रहा है, तो वो हमारा माना जाएगा सतत ज्वर। क्योंकि ये सतत ज्वर पित्त के काल में आता है और ये रक्त धातु को प्रदूषित करता है। ये ऐसे ही संतत ज्वर होता है, वो रस धातु को दूषित करता है, तो वो दिन में क्या कहते हैं, वैसे तो लगातार बना रहेगा संतत ज्वर, और सतत ज्वर 12 घंटे में दिन में एक बार आएगा, 12 घंटे में रात में एक बार आएगा। अन्य दुष्क ज्वर जो होता है वो एक दिन छोड़ के आता है, तृतीय तीसरे दिन आता है, चतुर्थक चौथे दिन आता है। अन्य दुष्क जो होता है मांस धातु को इन्वॉल्व करता है, तृतीयक मेद को और चतुर्थक अस्थि मज्जा धातु को इन्वॉल्व करता है। तो इनके लक्षण देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारा मेद धातु को इन्वॉल्व करने वाला ज्वर क्या है, ये तृतीयक ज्वर। तृतीयक ज्वर तो मेद धातु में दौर्गंध है। एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि कोई पेशेंट आया आपके पास और आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो आप उसके पास चले गए तो आपने देख लिया कि उसके शरीर से दौर्गंध आ रही है, तो वो एक क्लिक करता है कि कहीं ना कहीं ये कहीं मेद धातु तक गया ज्वर, तृतीयक ज्वर तो नहीं। अगर ऐसा पेशेंट बताता है तो हम क्लियर करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए उससे पूछते हैं कि कितने दिन बाद आता है, क्या तीसरे दिन आता है, तो एक कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाँ ये तृतीयक ज्वर है। मेद धातु तक ये ज्वर जो पहुंचा है वो साथ में स्वेद की अति प्रवृत्ति भी दे सकता है, क्योंकि मेद धातु की जो मल है वो स्वेद होता है, तो उसकी अति प्रवृत्ति, तो इस वजह से हम निदान पे जाके इस तरीके का हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। दूसरी चीज आती है पूर्व रूप। कोई भी बीमारी होती है तो वो अपने पूर्व रूप लेके आती है। जैसे आकांक्षा मैम ने भी पहले बीच में बताया था कि हमारी जो अस्थि क्या कहते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि और मज्जागत जो बीमारियां होती हैं, उससे पहले की धातु जो है मांस है, तो ये मेद अस्थि और मज्जा को की बीमारियां जो होती हैं वो सबसे पहले मांस से होके गुजरेंगी, तो उसके पूर्व रूप जो होंगे, जैसे मांस धातु तक कोई बीमारी अगर पहुंचती है तो उसके पूर्व रूप में जाड्यता मतलब जकड़ाहट एक लक्षण देखने को मिलता है। तो मेद अस्थि और मज्जा की जो बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को मेद धातु की कोई बीमारी है, प्रमेह है, प्रमेह मेद धातु की बीमारी है, ओबेसिटी मेद धातु की बीमारी है, थायराइड मेद धातु की बीमारी है, तो कहीं ना कहीं ये मांस धातु से गुजर के पहुंची होगी, तो पूर्व रूप में ये मांस धातु की विकृति के लक्षण दे देगा। ऐसे ही अस्थि धातु, मज्जा धातु, अस्थि धातु की बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह जो होती हैं, संधिवात वगैरह, वो सब भी मांस धातु के लक्षण आपको दे देंगी। ऐसे ही मज्जा धातु की बीमारियां, मज्जा धातु, हर हड्डी के अंदर मज्जा होती है, स्कल बोन के भी अंदर मज्जा है, तो हमारी जो ऑस्टियो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, या आँखों की कोई ड्राइनेस वगैरह की कंडीशन, ये सब मज्जा धातु की बीमारी, या ब्रेन के कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जो इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वो सब मज्जा धातु से संबंधित होते हैं, तो वो सब मांस धातु से होके गुजरते हैं, तो मांस धातु के कोई लक्षण ये दे देते हैं। ऐसे ही ज्वर में अगर जो हम देखें तो ज्वर के पूर्व रूप में अरति, मन नहीं लगना, या नयन प्लव, आंसू आना, अपरहर्ष,
ये बालकों से दोष द्वेष होना ऐसे पूर्व रूप देखने को मिल जाते हैं। पूर्व रूप भी दो तरीके के होते हैं, एक तो सामान्य पूर्व रूप जो स्पेसिफिक डिसीज में स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे ही अगर हम ज्वर के पूर्व रूप में और देखें तो वात ज्वर में जरम्भा जम्हाई एक इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, पित्तज में नयनदाह आंखों में जलन होती है, कफज में अरुचि होती है, द्वंद्वज में मिले जुले लक्षण मिलेंगे और सन्निपातज में पूरी बॉडी में क्षय देखने को मिल जाएगा। ये ज्वर के पूर्व रूप में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ज्वर के जो रूप आएंगे तो वो ज्वर के रूप जो आएंगे वो हमको रस धातु की दुष्टि वाले जो लक्षण हैं, रस की वृद्धि वाले जो लक्षण हैं, वो सब देखने को मिल जाएंगे। जैसे अंगमर्द हो गया, प्रसेक हो गया, लाला स्राव हो गया, तो ये सारे लक्षण ज्वर में देखने को मिल जाते हैं। तो रस धातु की विकृति की तीन बीमारियां हैं, एक तो ज्वर हो गया, एक आमवात हो गया और एक पांडुरोग। पांडुरोग क्यों? ज्वर रस धातु की वृद्धि हुई, इसका मतलब अगली धातु नहीं बन पाएगी, रक्त धातु नहीं बन पाएगी। तो ये हम पूर्व रूप के बाद हम रूप में आते हैं, रूप को भी देख लिया कि जैसे पूर्व रूप के बाद ज्वर ने अपने रूप को दिखा दिया। इसके बाद उपशय और अनुपशय में आते हैं। उपशय से किसी रोग के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हो सकती है? तो जैसे हम देखते हैं कि उपशय में 18 प्रकार के उपशय आचार्य चक्रपाणि ने बोले हैं कि हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी एंड हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, अलग अलग तरीके से औषध और अन्न और विहार, ये 18 तरीके के बन जाते हैं। तो इसमें जैसे हेतु विपरीत, ये व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं कि सिम्टम लेके आया हमने, सिम्टम के अगेंस्ट में दवाई दाग दी, जैसे दवाई दाग दी या हमने कोई ऐसा आहार दे दिया तो वो हेतु विपरीत हो गया। हेतु विपरीत औषध का एक एग्जाम्पल है कि जैसे अतिसार में हम ग्राही औषधि पाठा का उपयोग कर रहे हैं या दूसरी चीज़ कुटज का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही अगर जो हम देखें कि हेतु विपरीतार्थकारी में क्या है कि वमन में हम उसको मदन फल से उल्टी करा रहे हैं, तो ये विपरीतार्थकारी मतलब वमन ऑलरेडी उसको हो रहा है और हम और वमन कराने के लिए औषधियाँ दे रहे हैं। ऐसे ही अगर जो ये तो औषध का हो गया, अन्न में आ जाते हैं, अगर हेतु विपरीत अन्न में देखें कि किसी को अतिसार हो रहा है तो हम उसको मसूर की दाल खिलाते हैं ताकि वो ग्राही औषध अन्न है तो ये उसका अतिसार को रोक दे। ऐसे ही करके 18 तरीके के उपशय का वर्णन किया गया है। उपशय से डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्म डायग्नोसिस में कैसे बदला जा सकता है उसके लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास कोई आमवात और वात रक्त का केस है और पेशेंट आया, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये आमवात है कि वात रक्त है, तो हम उपशय के लिए उसमें क्या करेंगे कि एक ऑयल की मसाज करवाएंगे। ऑयल की मसाज कराने के बाद में यदि ये दर्द उसका बढ़ जाता है तो ये आमवात की कंडीशन है, और ये अगर जो दर्द में शांति मिलती है तो ये वात रक्त की कंडीशन है। तो उपशय से कैसे हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, कंफर्म डायग्नोसिस तक, ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अच्छा, निदान पूर्व रूप, रूप उपशय और संप्राप्ति। संप्राप्ति में सर ने कई तरीके की, अलग अलग तरीके की जो उसके संप्राप्ति के भेद बताए थे कि जैसे संख्या संप्राप्ति है, तो कोई भी अगर हमारे पास रोग आता है तो रोग कितने प्रकार का है, रोग के भेद संख्या संप्राप्ति के द्वारा निकाले जाते हैं। विकल्प संप्राप्ति में किस दोष के कितने गुण बढ़े हैं और कौन कौन से गुण बढ़े हैं और कौन सा गुण सबसे प्रधान रूप से बढ़ा है, अंशांश कल्पना जानी जाती है विकल्प संप्राप्ति से। विधि संप्राप्ति में अलग अलग दोषों के अलग अलग गुण, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था रुच शीत लघु और विशद गुण अगर बढ़े हैं तो ये किस अन्न में ये चारों गुण मिलते हैं, तो ये कलाय एक तरीके की मटर होती है, कलाय मटर, उसमें ये चारों तरीके के गुण होते हैं और इसका रस कषाय रस होता है। ऐसे ही रुच शीत और लघु गुण बड़े होते हैं तंडुलयक में, चौलाई में होते हैं, रुच और शीत इच्छु में होते हैं, इच्छु का गन्ने का जो वो होता है जो हम लोग चूसते हैं।
अच्छा, रुच गुण केवल सीधू में एक तरीके का मध्य है, उसमें बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग संप्राप्ति को भी देख के, संप्राप्ति को भी देख के डायग्नोसिस बनाते हैं। तो सर इतना ही है अभी तो। जी, और कोई बोलना चाहता है? अनुरिता मैम, कंचन मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? शशि मैम ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखा है। शशि मैम, आप कृपया बोल दीजिए, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं आप सबको। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वो आप पढ़ा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा वो लिखा था कि क्या चीजें हैं, मतलब साइन, जैसे आपने बोला ना कि पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह बता देते हैं और कुछ चीजें हमें पूछनी पड़ती हैं, तो वही चीजें लिखा था मैंने कि साइन जो होता है वो दिखेगा और सिम्टम पेशेंट बताता है या हमें पूछना पड़ता है कि क्या परेशानी है। और उपशम, उपशय का भाई जिससे लाभ हो उपशय है, नहीं लाभ हो रहा है तो अनुपशय है, बस ये चीज लिखा है। बट ये आज चीज मतलब अच्छे से क्लियर हुई कि जैसे व्यायाम ज्यादा करते हैं तो लघु और रुक्ष गुण बढ़ता है। अभी तक दिमाग में बस ये रहता है कि इससे वायु बढ़ती है, इससे पित्त बढ़ता है, इससे कफ बढ़ता है, तो जहाँ पर गुणों का स्पेसिफिक होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो मैं चाहूंगी सर इसको और थोड़ा सा क्लियर करा दीजिएगा। एक बार कंचन मैम आप ये पढ़ेंगी क्या? कंचन मैम या थैंक यू आकांक्षा सर। मैम ये अति व्यायाम वाला पढ़ दीजिए ना। मैंने तो पढ़ दिया। जी सर, प्रणाम हाँ, हेतु सर। पढ़िए, दोष पढ़िए, गुण पढ़िए, अवयव पे परिणाम ये पढ़ दीजिए। जी सर। सर जैसा अभी हम लोग ने देखा, इसमें जो एक कार्य बताया गया, जैसे अगर अति व्यायाम अगर एक हेतु है किसी चीज के लिए, तो उसमें जो दोष प्रकोप होगा वो वात का होगा, उसमें जो गुण इन्वॉल्व होंगे वो रुक्ष और लघु गुण होंगे, और अवयव जो जिसपे परिणाम होगा वो अपान कक्षा होगी मेनली। उसके बाद प्रतन प्रपतन, मतलब शायद गिरना ही हुआ, तो अगर ये होता है तो भी यहाँ पे हम देखेंगे जो दोष प्रकोप होगा वो वात का होगा, उसमें जो गुण होंगे वो लघु और रुक्ष होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और अवयव जिसपे परिणाम होगा उसका वो अपान कक्षा पर ही देखा जाएगा। उसके बाद अगर जागरण होता है तो जागरण में हम देखेंगे कि जागरण में वात पित्त इन्वॉल्व होंगे दोष में, और जो गुण होंगे वो रुक्ष और लघु होंगे, और जो अवयव जिसपे परिणाम होगा वो प्लीहा होगा। उसके बाद हम कषाय रस सेवन से देखेंगे कि अगर कषाय रस सेवन हो रहा है तो कषाय रस सेवन में भी अगर दोष जो प्रकोपित होगा वो वात होगा, और जो गुण होंगे इन्वॉल्व वो रुक्ष और शीत गुण होंगे, और जिस अवयव पे हम परिणाम देखेंगे वो होगा यकृत अवयव। उसके के बाद अगर कटु रस का सेवन होता है हेतु में, अगर हमको मिलता है कटु रस ज्यादा सेवन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो दोष इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे वात और पित्त के प्रकोपित होंगे, और जिसमें जो गुण इन्वॉल्व होंगे वो उष्ण लघु रुक्ष होंगे, और जो इसमें जो अवयव जिस परिणाम होगा वो होंगे यकृत, प्लीहा तथा गर्भाशय भी। तिक्त रस अगर हम उसी तरह से अगर देखेंगे तो तिक्त रस में जो दोष होगा वो वात प्रकोपित होगा, अगर अधिक तिक्त रस का सेवन कंटिन्यूस हेतु के रूप में हम पेशेंट को देख रहे हैं तो। और यहाँ पे जो गुण हम देखेंगे जिस पर हमको चिकित्सा करनी है वो रुक्ष और लघु गुण होगा, और इस पर हमको चिकित्सा करनी है अवयव वो अगर हम देखें तो यहाँ पे यकृत और प्लीहा होगा। उसके बाद अगर हमको हेतु किसी पेशेंट में मिलता है कि विदाही अन्न का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम देखेंगे कि पित्त का प्रकोप पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, जिसमें जो मेन गुण होते हैं वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण पे हमको चिकित्सा करनी पड़ती है, और जो यकृत जो जिस अवयव पे हमको चिकित्सा करनी पड़ती है वो है यकृत, प्लीहा और अपान कक्षा। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में अगर हमको अनशन ये हेतु स्वरूप कोई लक्षण मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो दोष इन्वॉल्व होंगे वो इस पेशेंट में पित्त और वात होंगे, और जिस पे हमको जिस गुणों पे चिकित्सा करनी है वो है लघु, तीक्ष्ण और उष्ण गुण, और जिस जो अवयव इन्वॉल्व होगा इसमें वो होगा प्लीहा। अगर आतप सेवन के कारण अगर हमको किसी पेशेंट में सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर कोई व्याधि स्वरूप मिल रहे हैं, तो वहां पर जो दोष इन्वॉल्व होंगे वो पित्त और वात होंगे, तो चिकित्सीय गुण जो हमको जिस पे कार्य करना वो होंगे उष्ण, तीक्ष्ण और लघु, और जो जो अवयव इन्वॉल्व होगा यहाँ पे हमको प्लीहा पर चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर हेतु स्वरूप हमको लगता है कि अति स्निग्ध भोजन के कारण किसी व्याधि स्वरूप कोई पेशेंट आया है, तो वहां पे जो मेन हमको चिकित्सा करनी है वो कफ दोष की करनी है, किस गुणों पे चिकित्सा करनी है वो स्निग्ध, ब्रू और शीत पे करनी है, और कौन से अवयव पे चिकित्सा करनी है तो यकृत पे करनी है हमको। अगर अति द्रव भोजन ऐसा अगर हमको हेतु मिलता है किसी पेशेंट में और अगर व्याधि स्वरूप कुछ आ रहा है, तो वहां पे जो दोष इन्वॉल्व होंगे वो कफ और पित्त होंगे, यहाँ पे हम कौन से गुणों की चिकित्सा करेंगे वो हम द्रव गुण, स्निग्ध और गुरु गुण पे चिकित्सा करेंगे, और यहाँ पे भी हम यकृत अवयव पर उसकी चिकित्सा देंगे।
फिर दीवा स्वाब से मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट ये हमको देखने के लिए मिलते हैं लेडीज में। यहाँ पे दोष जिस पे हमको चिकित्सा करनी है वो कफ और पित्त होगा, और जो गुणों पे चिकित्सा करनी है वो गुरु और स्निग्ध होगा, और यकृत पे यहाँ पे हम कार्य करेंगे। उसी तरह से एसी में बैठने वाले, पानी ठंडा पीने वाले, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे कोई हेतु स्वरूप अगर हमको व्याधि उनमें मिल रही है तो वहां पे हम कफ दोष की चिकित्सा करेंगे, जिसमें गुण जो इन्वॉल्व होंगे वो शीत और गुरु होंगे, और जिस अवयवों पे हम लोग करेंगे तो वो यकृत और अपान कक्षा होगी। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट सर हेतु बता दिए गए हैं और किस तरीके से हमको दोष के चिकित्सीय दोष हमको गुणों पर चिकित्सा करनी है और किस अवयव पर हमको कार्य करना है। जी सर, नीचे भी है बाकी, क्या सर? हाँ बाकी बचा हुआ है जी, पांच छह। ये अध्वयान, अगर बहुत कोई अगर बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत ज्यादा किसी ने ट्रैवलिंग की है, अगर ऐसा कोई पेशेंट हेतु स्वरूप अगर हमको मिलता है और ऐसी कोई व्याधि आती है, तो यहाँ पे हम जैसे जानते हैं वात रक्त बहुत बड़ा इसका हेतु होता है, तो इसमें वात और रक्त दोष की चिकित्सा करेंगे हम, और जहाँ पे गुणों की चिकित्सा करनी है वो वृक्ष और चल है, और किस अवयव पे हम चिकित्सा करेंगे तो यकृत पे, अपान कक्षा पे और प्लीहा पे। फिर कामला का अगर इतिहास हमको किसी पेशेंट में मिल रहा है तो हम वहाँ पे जो दोष इन्वॉल्व होंगे वो रक्त और पित्त होंगे, और किस पे हमको चिकित्सा करनी है तो उष्ण गुण, तीक्ष्ण और रुक्ष गुण पे चिकित्सा करनी है और यकृत पर कार्य करना है हमको। उसी तरह से अगर किसी पेशेंट में रोमांतिका, शीतला का इतिहास मिलता है तो वहां पे जो हम दोष पे चिकित्सा करेंगे वो रक्त पित्त पर चिकित्सा करेंगे, जो दो उसमें जो गुण इन्वॉल्व होंगे वहां पे वात, उष्ण और तीक्ष्ण गुण इन्वॉल्व होंगे, और ऐसे में हमको क्षार वृद्धि होगी यकृत में, प्लीहा में, अपान कक्षा में, तो इस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा बुद्धि इंद्रिय का अति योग हो गया है या मिथ्या योग हो गया है, ऐसे करके दो चीजें इसमें बताई गई हैं, तो अगर अति योग हो गया है तो उसमें वात का प्रकोप होगा और वहां पे जो गुण देखे जाएंगे वो विविक्त और चल गुण देखा जाएगा बुद्धि में, और वात का चल गुण बढ़ा हुआ देखा जाएगा और यकृत पर यहाँ पे हम कार्य करेंगे। उसी तरह से अगर विरुद्ध आहार है तो विरुद्ध आहार किसी पेशेंट का है तो कफ दोष वहां पे इन्वॉल्व होगा, गुरु स्निग्ध शीत गुण होगा इन्वॉल्व, और यकृत और प्लीहा पर हम लोग चिकित्सा करेंगे। इसी प्रकार गुरुवर ने अग्नि संस्था के प्रमुख अवयव जो भी बताए गए हैं, यकृत, प्लीहा, वृक्क तथा गर्भाशय, इनकी विकृति के विशेष लक्षण भी शब्द शब्दबद्ध किए गए हैं, इन्हें देखकर हम तुरंत चिकित्सक की ओर जा सकते। जी सर, जी आप लोगों को ये सब कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें सर मतलब पंच पंचक और निदान पंचक, इसमें कहाँ तक हम सिमिलरिटी चिकित्सा में पंच सोच सकते हैं पंचक सर? तो इंद्रिय, पांच इंद्रियों के विषय, पांच इंद्रियों के जी विषय। सर, तो क्या ये हम ट्रीटमेंट के रूप से भी तो सोच सकते हैं ना सर, कि जैसे हाँ अगर हमने ये निदान सोचा तो अगर हम पंच पंचक के रूप में भी अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं कि इंद्रियों का, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेज ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर हम इंद्रियों के बारे में पर्टिकुलरली आईज या नोज के बारे में सिम्टम अगर हम कोई देखें और वहां पे पर्टिकुलर इंद्रिय का अगर हीन योग, मिथ्या योग या अति योग हो रहा है, तो उसके कारण भी जब तक हम यहाँ पे हेतु नहीं समझेंगे किस लिए हुआ है, तो हम पेशेंट को वहां पे निदान से दूर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत कम कोई कम बहुत देख पाता है या दृष्टिमान्द होगा, तो इसका मतलब वहां पे उस चक्षु इंद्रिय का हीन योग हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी को दृष्टि भ्रम हो रहा है यानी डिप्लोपिया अगर हो रहा है, तो यहाँ पे वो उस इंद्रिय का मिथ्या योग हो रहा है, और अगर नहीं सॉरी, मिथ्या योग यानी जो वस्तु है वो वैसा नहीं देख पा रहा है, और अति योग यानी यहाँ पे डिप्लोपिया होगा। तो यहाँ पे इन लक्षणों के हिसाब से भी अगर हम ट्रीटमेंट पे जाएं तो हमको बहुत सारी चीजें सर कहीं कहीं मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है निदान पंचक के साथ पंच पंचक भी हमको बहुत निदान में हेल्पफुल होता है सर। जी सर, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनने वाली हैं, और आप डॉक्टर तो हैं ही, बहुत अच्छा टीचर भी बनने वाली हैं कॉलेज में, एमडी होने तो दीजिए, जैसे थैंक यू रिजल्ट सर। आएगा आप सब पढ़ाने वाले हैं कॉलेज में बच्चों को। सर आपने अभी जो पढ़ा ना सर, सारे गुण और इसका एक्चुअली आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ही है ना मैम। सर जो ऊपर आइसबर्ग दिखता है सर, जैसे टाइटैनिक जब डूबने वाली थी तब उसको नहीं लगा था कि जो आइसबर्ग दिख रहा है वो टाइटैनिक को खत्म कर देगा, उसको लगा जितना दिख रहा है वैसे वात पित्त कफ और सप्त धातु दिखते हैं, लेकिन गुण के ऊपर जाके जब हम काम करते हैं, जैसे अभी मैडम ने बताया, तो वैसे तन्मात्रा है हमारे, एक्चुअली गुण ले तो 41 गुण होते हैं, लेकिन हम विंशति गुण भी लेते हैं दोषों के और जो हेतु वगैरह हमारे, और उसके हिसाब से जो गुण विरुद्ध ट्रीटमेंट करते हैं सर, हम किसी भी संप्राप्ति को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी, कोई भी डायग्नोसिस रहे, कितना भी सीरियस डिसीज रहे। तो आप जो ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना सर, इतना अच्छा रिविजन हो रहा है, थैंक यू वेरी मच सर। कहीं भी कितना भी डिफिकल्ट रूटीन हो तो ऐसे लगता है कुछ भी चीज मिस आप आउट ना अपने हो। बच्चों को भी यही पढ़ाइए जो आपके स्टूडेंट्स हैं। सर
मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आयुष दर्पण ज्वाइन करके आपको सुने, हम आपकी तरह नहीं पढ़ा पाते सर, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये सारी चीजों को बिल्कुल सिखाती हूँ सर, सिर्फ एनाटॉमी नहीं सिखाती हूँ, मैं अप्लाइड एनाटॉमी सिखाती हूँ सर। चलिए थैंक यू वेरी मच जी, तो अभी हम सेशन बंद कर दें, फिर हम फिर मिलेंगे कल 7 बजे, अभी 1 घंटा का लेक्चर हो गया ना, अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर।